नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हैदराबाद में हूं, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में, और मेरे साथ हैं जनाब सैयद निजामुद्दीन साहब, जो कि तेलंगाना की जो जमीनी राजनीति है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। जो तेलंगाना की जो राजनीति है वो किस करवट बदलती है, एक किस्म से कहा जाए तो काफ़ी रिसर्च भी कर रखा है इन्होंने, और पिछले कई वर्षों से लगातार कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे हैं। और जो ज़मीनी डाटा है, ज़मीनी रिसर्च है, और वोट क्या बोलता है और जनता का मूड किस तरह से है, काफ़ी नज़र रखते हैं और चुपचाप बहुत रहते हैं। इनकी खासियत यह है, लेकिन जब बोलते हैं तो सदा हुआ बोलते हैं। सैयद साहब, आईएनसी टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ज़मीनी हकीकत तेलंगाना की क्या है? देखिए, 10 साल के कार्यकाल के बाद टीआरएस पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, वो काफ़ी मुश्किलों के साथ जो है आवाम गुजर रही है। कोई किस्म की बात पर, यानी मतलब कोई महंगाई पे हो, चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे जो गरीबों को जो है ना जो प्रॉमिसेस किए टीआरएस पार्टी, वो कोई प्रॉमिसेस जो है, एक भी प्रॉमिसेस पूरी नहीं हुई। सच्चाई ये है कि अलायदा तेलंगाना लाने का मकसद ये था कि हमारे जो फंड्स है वो आंध्र की तरफ चले जा रहे हैं, हमारे को जो नौकरियां मिलना चाहिए वो नौकरियां भी जो है आंध्र की तरफ चले जा रहे हैं, और जो है हमारे बच्चों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो भी चले जा रहा है, और हमारा जो पानी है, जो हमें खेती करने के लिए जो पानी चाहिए वो पानी भी जो है ना वो आंध्र की तरफ चले जा रहा बोल के, ये इसी वजह से ये लड़ाई एक 60 साल की लड़ाई थी, जिस लड़ाई के अंदर जो है ना काफ़ी मतलब बड़े बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी जो है इसके खिलाफ लड़े हैं, अलायदा तेलंगाना करो, हमारी नौकरी हमारे को, हमारा पानी हमारे को, हमारा एजुकेशन हमारे को, हमारे फंड्स हमारे को लड़े। इसीलिए जो 60 साल के ख्वाब को जो है कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये तेलंगाना का अनाउंसमेंट करा उन पर समझ। लेकिन एक बात तो तय है, मैं भी तेलंगाना घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि लोग जो है ये मानते हैं कि कांग्रेस ने तेलंगाना को दिया है, और इसका जगह जगह पर चर्चा है। सही साहब, जब मैं गाँव में जाता हूँ और शहरों में किसान परेशान है, बेरोजगार जो है वो रोजगार लेने के लिए युवा भी परेशान है, आपने ढेर सारे मुद्दे दिखाए, लेकिन एक बात जो मैंने गाँव में देखा, अभी भी लोग इंदिरा जी को याद करते हैं। ये चीज़ जो है तेलंगाना में मुझे देखने को मिली कि जैसे ही आप कांग्रेस का नाम लो तो वो लोग इंदिरा जी को याद करते हैं, बुजुर्ग हो, किसान हो, नौजवान पीढ़ी, जो नौजवान जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ मैं घूम रहा हूँ वो इंदिरा अम्मा करके बोल रहा है, ये तेलंगाना राज्य में देखने को मिला है। देखिए, मैं एक अच्छा याद है कि जब मैं हुजूराबाद के इलेक्शन में कैंपेन कर रहा था, तो उस कैंपेन के अंदर जब मैं जाके लोगों से बात कर रहा तो लोग बोले कि जो है ये जिस घर में हम रह रहे ना, ये हमारे इंदिरा गांधी जी से घर है, हमको ये घर आज बने हुआ है, तो 12,000 रुपये इंदिरा गांधी जी ने वो दिए थे, वो 12,000 रुपये से हम ये घर बनाया आज इसी घर में, यानी मतलब 40-50 साल हम मुकम्मल हो गए, 50 साल से हम यही घर में रह रहे, यही हालत में हमारी गुर्बत का आलम ये है, यानी मतलब आज भी उन्होंने जिस घर के अंदर रह रहे, जिस छत के अंदर रह रहे, वो इंदिरा गांधी के दिए हुए इंदिरा गांधी पतंग के तहत जो दिए हुए पैसे है कंस्ट्रक्शन के लिए, और इंदिरा गांधी के जरिए जो दिए हुए जमीन के पैसे है। तो राहुल जी ने वो रैली में कहा, हैदराबाद की रैली में, विशाल रैली, शायद ऐसी रैली हमने भी नहीं देखी थी, और वो कमाल की रैली थी, और उसको देखकर बीआरएस हो या फिर एआईएमआईएम हो या बीजेपी हो, उन्होंने बड़ी कोशिश की उस रैली को उसमें कहीं ना कहीं अड़चन डालने की, लेकिन वो कामयाब एक रैली थी, इतनी कामयाब रैली, और उसमें राहुल जी ने कहा कि सोनिया जी जो कहती हैं वो करती हैं, और देखिए वो काम की बात है, मन की बात नहीं है, काम की बात है, काम की बात। देखिए, कांग्रेस पार्टी पे लोगों को भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 14 तक अपने जो भी अपने दौरे इख्तदार के अंदर जो भी गरीबों के लिए इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत, चाहे वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उनको लोन देने की बात हो, या फिर जो है ना फीस रीएम्बर्समेंट के जरिए बच्चों को पढ़ने की बात हो, मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे दलित हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर तरीके से जिन्हें इंसाफ की अगर, सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो 6 गारंटी है इस बार की कांग्रेस की, उसकी चर्चा पूरे तेलंगाना में और तेलंगाना के बाहर भी है, और वो ऐसी गारंटी है जिसकी मुहर सबसे पहले कांग्रेस ने अपने राज्यों में लगा दी है और लोगों को बता दिया है कि हमने किया है और हम करेंगे। तो कितना विश्वास है, ये जो 6 गारंटी है लोगों से आप मिलते हैं वो कितना यकीन कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी बोले तो एक भरोसा, गांधी फैमिली एक भरोसा, वो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ गांधी फैमिली का जबान, यानी गांधी फैमिली, श्रीमती सोनिया गांधी जी जो अलायदा तेलंगाना देने का वादा किया था, वो वादा उन्होंने एक स्टेट लॉस होने के बाद भी पूरा किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 6 महीने तक पूरा सर्वे किया गया,
हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में गया, हर डिस्ट्रिक्ट में गया, हर मंडल में गया, हर जगह जाके लोग किस तकलीफ से जूझ रहे हैं, उन तमाम तकलीफों को कलेक्टिव लेकर के 6 गारंटी हम लोगों को बनाए। ये 6 गारंटीज ऐसे है कि जो है महालक्ष्मी खवातीन के लिए जो गारंटी बनाई गई है उनको 2,500 रुपये हर महीना उनको मिलने वाले है। इसके अलावा जो है गैस सिलेंडर का मामला है। एक वक्त में एक अच्छी बात याद आ गई, गैस सिलेंडर की बात करें तो जब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी थी, स्टेट गवर्नमेंट में भी थी, तो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर भैया साचुरेड्डी साहब थे, 350 रुपये गैस सिलेंडर की कीमत थी, तो सडनली जो है ना 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ गए। बढ़ते ही हमारे राज सेक्रेटरी साहब फौरी जो है ना मीडिया पे आके ये बोले कि मेरी आवाम, मेरी आंध्र प्रदेश की आवाम 50 रुपये हर सिलेंडर के पीछे वजन उठा नहीं सकती, इसीलिए मैं आज एज ए चीफ मिनिस्टर वादा कर रहा हूँ, एज ए कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर वादा कर रहा हूँ कि वो 50 रुपये वजन मैं उठा लूंगा। इसके साथ साथ जो है ना आरटीसी बस में खवातीन, अब देखिए खवातीन का क्या है मामला, गरीब लोग जो है ना दूर जाके काम करते हैं, उनको जरा ज्यादा पैसे मिलते हैं, मगर उनकी मजबूरी ये है कि वो दूर जाके काम करने में बस से ट्रैवल करे तो उनके जो टिकट के जो है टिकट बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ गई, वो जो टिकट में जो पैसे जाने वाले है उन्हों पर वहां जाके मैं काम करते 10,000 मिल रहे, यहाँ काम करे तो मेरे को जो है ना 5,000 मिल रहे, मगर लेकिन वो जो 2,000 बढ़ के जा रहे वो 2,000 रुपये जो ट्रैवल के लिए 3,000 रुपये जो हमारे ट्रैवल का खर्चा बता रहे उसमें हमारे को स्ट्रेस भी हो रहा। ये तमाम चीजों को लेते हुए मैं ये 5,000 की नौकरी करता हूँ, बल्कि 3 टाइम खाने की जगह पे गुरबत में गुजार रहे, जिस तरह कर्नाटका में इसकी तारीफ हो रही है और ये वादे को पूरा किया है, इससे जो जनता है जो महिलाएं हैं उनको एक बहुत ताकत, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी उनको, जो है जो गृह ज्योति है इसकी भी चर्चा गाँव घर में बहुत ज्यादा है। बेशक क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, देखिए हर एक का खाली यहाँ पे जो है करंट के बिल्स इतने बढ़ गए हैं कि उनके जो आने वाले जो महीने की जो इनकम है उससे उन्होंने करंट के बिल बनना, उन्होंने बच्चों के स्कूल की फीस बनना, घर का किराया देना, उन लोग के पास जाती घर भी नहीं है। तो इसीलिए जो है ना कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि 200 यूनिट जो है ना जो सतह गुर्बत के नीचे है 200 यूनिट वो लोग को जो है ना डेफिनेटली जो है ना कांग्रेस पार्टी ये प्रॉमिस कर रही है कि हर महीना जो आपको 200 यूनिट है उसको हम फ्री देंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक डिसाइड किया है कि जो है उनको 15,000 रुपये फार्मर्स को हम जो है ना सालाना देंगे और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर लेबर्स को जो है 12,000 रुपये देंगे और जो उनके क्रॉप्स के लिए जो बोनस देंगे वो 500 रुपये का जो है ना वो बोनस भी देंगे। इस राज्य में मैंने देखा सैद साहब कि भ्रष्टाचार का बहुत आरोप लगा BRS पर और भ्रष्टाचार भी लगा है मुख्यमंत्री की KCR जी के परिवार के ऊपर। देखिए भ्रष्टाचार के ऊपर जो है कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन का जो बीजेपी का जो जोर चला वो जो पेशियम था आवाम ने उसको सबक सिखाया। यहाँ पर जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है 35,000 करोड़ से जो इरिगेशन प्रोजेक्ट था उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिए। ये किस लिए करे, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए से क्या ये किसानों को उससे पानी आ रहा या भरोसा हो रहा? नहीं, एक बारिश में उनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट के जो है जो मशीनरीज थे एक ही बारिश में पूरे मशीनरियां डूब गए, यानी मतलब वो लोग जो है ना करप्शन का इतना बड़ा मामला किया है उसके अंदर, वो सिर्फ करप्शन के लिए 35,000 करोड़ से उसको जो है ना सीधा ले जाके 1.5 लाख करोड़ तक कर दिया गया। इसका सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ करप्शन है, KCR करप्टेड है, KTR करप्टेड है, उनकी बेटी तो जो है ना लिकर स्कैम के अंदर आ गई है, जबकि हमारे तेलंगाना के अंदर हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर जो पहले जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था जब जो है ना शराब को आम नहीं करना, शराब को जो है रोकने के लिए खवातीन बाहर निकल के प्रोटेस्ट करते थे, इसकी चर्चा जो है आज हमारे पास शर्म आनी चाहिए खवातीन होते हुए कि हमारे कविता जो बहन है खवातीन होते हुए उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जो है ना जिस खवातीन आज नुकसान उठा रहे, जिस खवातीन शराब की वजह से शराब पीने की वजह से जो मुसीबत उठा रहे, जो उनका फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है उसके लिए स्टिकर स्कैम के द्वारा इसकी चर्चा तेलंगाना के महिलाएं भी बहुत कर रही हैं कि महिला होते हुए मुझे लगता है ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए था और जिस तरह से नाम आया लिकर स्कैम में वो भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप है और इसकी जगह जगह चर्चा है। हमारे से बात करने के लिए सैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार चुनाव में आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि आप उसकी ज़मीनी हकीकत और सच्चाई बयां करते हैं आप और लगातार INC TV आपसे बात करता रहेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्सपर्सन सैयद निज़ामुद्दीन साहब के आपने विचार सुने और वो जो बात कहे उन्होंने वो सच की बात करते हैं हमेशा और इसीलिए एक पार्टी के अंदर इनकी बहुत इज्जत भी है क्योंकि ज़मीन पे घूमते हैं, रिसर्च करते हैं, डाटा ले आते हैं, नेताओं को बताते हैं कि किस तरह से आगे की योजनाएं बनानी चाहिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए INC TV। नमस्कार।